रूस और यूक्रेन जंग में अमेरिका राहत पैकेज आग में घी डालने का काम कर रहा है। दरअसल अमेरिकी संसद ने यूक्रेन को 61 अरब डॉलर की सहायता राशि देने के फैसले पर मोहर लगाई है। इसके बाद से मौजूदा जंग के और भड़कने की आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की यूक्रेन को बड़ी मदद देने से रूस गुस्से में है। रूस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आगाह किया है कि बिल को मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन और तबाह होगा, साथ ही और ज्यादा मौतें भी होंगी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की ओर से यूक्रेन के लिए एक बड़े सहायता पैकेज को मंजूरी देना आतंकवाद को वित्त पोषण करने के समान है। यूक्रेन, इजराइल और ताइवान को अतिरिक्त सैन्य सहायता का संभावित आवंटन केवल दुनिया में संकट को बढ़ाएगा। कीव शासन को सैन्य सहायता आतंकवादी गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रायोजन है। ताइवान को भेजा गया धन चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। वहीं इजराइल को भेजी गई सहायता इलाके में संघर्ष को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाने का एक सीधा तरीका है। दरअसल अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने हाल में विशेष सत्र के दौरान यूक्रेन, इजराइल समेत अन्य के लिए 95 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी सहायता को तत्काल मंजूरी दी थी। इसमें अकेले यूक्रेन को 61 अरब अमेरिकी डॉलर दिए जाने का प्रावधान है। इस फैसले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों का आभार जताया। बता दें कि पिछले काफी समय से यूक्रेन पश्चिमी देशों की आस लगाए बैठा था। रूस से जंग में पिछड़ते हुए ज़ेलेंस्की अपना कई मौकों पर आपा भी खोते दिखाई दिए। उन्होंने पश्चिमी देशों को आगाह कर कहा था कि अमेरिकी सहायता के बिना यूक्रेन युद्ध हार जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ज़ाखारोवा ने आगे कहा कि वॉशिंगटन रूस के साथ एक हाइब्रिड युद्ध में गहराई तक जा रहा है। अमेरिका को वियतनाम या अफगानिस्तान के बराबर एक जोरदार और अपमानजनक असफलता का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों से लैस करने के लिए तैयार है ताकि कीव आखिरी यूक्रेनी तक लड़ सके, जो रूस के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों के साथ साथ तोड़फोड़ के हमलों को जारी रख सके। सामान्य यूक्रेनियन को जबरन तोप के चारे के रूप में मारने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वॉशिंगटन अब रूस के खिलाफ यूक्रेनी जीत पर दांव नहीं लगा रहा, बल्कि नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक कीव को बचाए रखने की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिन रूस यूक्रेन युद्ध को नई दिशा दे सकते हैं। जहां अमेरिकी मदद से यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं बौखलाया रूस अपने हमले तेज कर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाकर उसकी खुशी को मातम में बदल सकता है।